hi, good evening everyone. so welcome to the session. this is ace the cmat match and today it's going to be fourth session of innovation and entrepreneurship. so in this session, once again, we are going to discuss some important topics, uh, particularly uh, entrepreneurship development cycle. but uh, along with that, we are also going to have some really interesting quiz, which are based on business awareness. that is uh, brand and uh, logo quiz or brand and owner quiz and so on and so forth. so this is going to be an extremely important session. In fact, fun filled session, so make sure to watch it till the end and don't forget to hit the like button and do share it with all your friends. Right, in case if you are watching it afterwards, then post your answer in the comments and let me know. Um, I mean, I'll definitely check whether you are getting it right or not. So, guys, uh, show me a thumbs up so that we can get going. And uh, as I always mention, first hit the like button so that we can have sufficient fuel to kickstart our journey, guys right uh, in case if you are new to my session this is a bit about myself guys uh, and uh, make sure that you all have joined this telegram group that i've created for cmat aspirants the link has been provided in the description apart from that from yesterday i have started this quant series so you know it has been started in such a way that can help you maximize your preparation so, short span of time maximum coverage of concepts so <clears throat> yeah do watch this video numbers the link has been provided in the description चलो दोस्तों शुरू करें सब लोग रेडी हो आज हम एकदम ऑलमोस्ट टाइम पे शुरू कर रहे हैं पांच मिनट छ बजकर पांच मिनट पे हमारा सेशन शुरू हो रहा है है ना सो आर यू ऑल रेडी फॉर अ ब्रांड लोगो जल्दी से एक बार थम्स अप दिखा दो और ये लोगो नहीं पूछने वाला हो ये तो सबसे आसान है है ना ये मत सोचना अच्छा ये लोगो ये तो पता है नहीं नहीं ये तो सिर्फ एक जस्ट नोटिफिकेशन है राइट पहले सब लोग लाइक बटन दबा दो यार इतने अच्छे लोगो ढूंढ के लाए हो आप लोगों के लिए ठीक है मतलब आपकी प्यास बुझ जाएगी सर मैथ्स निकलवा दो अरे बिल्कुल फिनिक्स राइट right. चलो शुरू करते हैं दोस्तों सो हियर कम्स फर्स्ट क्वेश्चन यू आइडेंटिफाई द लोगो ये इजी क्वेश्चन है ठीक है ये इजी क्वेश्चन है क्या आएगा ऑप्शन डालना है आपको सिर्फ चैट बॉक्स में ऑप्शन डालना है ए बी सी डी आएगा दोस्तों ये राइट right. <laughs> अपनी घड़ी को ही देख लो करेक्ट गाइस इट्स फास्ट ट्रैक इट्स अ सिंपल क्वेश्चन क्या चलो गाइस व्हाट अबाउट दिस वन ये लोगों किसका है या व्हाट अबाउट दिस कम ऑन गाइस जल्दी से बताओ अभी भी सब लोग पिछले क्वेश्चन का ही आंसर दे रहे राइट करेक्ट सो दिस इज ऑल्सो एन इजी क्वेश्चन आप लोग देखते हो गे? ठीक है सो दिस इज ऑफ ड्रॉप बॉक्स ठीक है राइट ड्रॉप बॉक्स सर्विस का है राइट चलो ओके गाइस व्हाट अबाउट दिस अब ये लोगों पहचान के दिखाओ <laughs> ये लोगों किसका है या कमऑन एवरी वन इज इट पिंगल्स पालेजी लेस ब्रिटानिया किसका है जो सबसे ज्यादा चिप्स खाता है उसको पता होगा करेक्ट इट्स ऑफ लेस गाइस सॉरी एक्चुअल एक्चुअल लोगों में यहां पे ऐसे लेज लिखा रहता है अब मैंने वो लिख के दे दिया तो सब लोग आइडेंटिफाई नहीं करेंगे राइट right, तो हमने ये लिख के नहीं दिया था सर है ना ओके okay. तो लोगों किसका है इजी इजी क्वेश्चन ले रहे हैं, मतलब आपके मोराल को थोड़ा बूस्ट कर रहे हैं। अनुपम अभी भी उसी कंफ्यूजन में है कि सर कल आप पढ़ा रहे थे या चैट बॉक्स में थे <coughs> अनुपम उसको सस्पेंस ही रहने दो करेक्ट गाइज इट्स ऑफ एडिडास राइट एंड वन लास्ट क्वेश्चन गाइज इसका क्या आएगा सॉरी <coughs> बताइए आपका सेशन शुरू करते ही मुझे खांसी आती है बाकी तो पूरा दिन कुछ नहीं था <laughs> जो टी टोटलर होगा उसको नहीं पता होगा करेक्ट गाइज इट्स ऑफ कोरोना ठीक है सो ऑल दिज आर बियोर ब्रांड्स ऑल दिस आर बियोर ब्रांड्स ठीक है और उसके लिए आपका बिल्कुल पीना जरूरी नहीं है नॉलेज हो सकता है ठीक है ना राइट right. चलो तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों एंड लेट्स बिगिन विद सेशन अच्छा एक रह गया एक और वन लास्ट क्वेश्चन वन लास्ट क्वेश्चन क्या आएगा इसका कम ऑन गाइस यार गाड़ी आगे कैसे जाएगी आप लोग लाइक तो डाल नहीं रहे हो यार साथ में सब लोग पहले लाइक कर दो जल्दी से लेट्स हैव 200 लाइक्स फर्स्ट ठीक है राइट करेक्ट गाइस दिस इज ऑफ स्काइप ठीक है स्काइप का लोगो है राइट right? ओके okay. चलो तो दोस्तों शुरू करते हैं अभी आज का सेशन पर उससे पहले एक चीज बता देता हूं अगर आप दिल्ली में रहते हो या दिल्ली के आसपास में रहते हो तो प्लीज मुझे टेंथ या इलेवेंथ को आगे मिल सकते हो ठीक है आई एम वेटिंग फॉर टू मीट यू राइट तो आप लोग भी आ सकते हो उधर अन एकेडमी का सेंटर है दिल्ली में जनकपुरी में तो वहां पर आके मुझे मिल सकते हो आई एल बी फ्री ओवर देयर फॉर सिक्स आवर्स डेढ़ घंटे का मैं सेशन कंडक्ट करूंगा ठीक है चार बजे से मैं उधर अवेलेबल हो जाऊंगा तो आप मुझे छह बजे से मिल सकते हो क्योंकि चार से छह मेरा पहला सेशन है फिर छे से दस में उधर ही सेंटर पर रहूंगा तो अगर आप उधर हो तो आके मुझे मिल सकते हो अगर आप ये इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो एक लिंक मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया है उसको फॉर्म भर देना गूगल फॉर्म का लिंक है उसको भर देना तो आप उधर अटेंड भी कर सकते हो सबको तो फायदा होगा आप अटेंड कर सकते हो आपके प्रिपरेशन में फायदा होगा एंड इफ यू गो फॉर प्लस और आईकनिकाइ स्टूडेंट फॉर कोर्ट चार बेनिफिट प्लस और आइकनिक आपकी स्क्रीन पे है तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था वी डिस्कस टाइप ऑफ ऑन्टरशिप ये चार मेन टाइप ऑफ ऑन्ट्रनरशिप है ये सबको क्लियर है एक बार जल्दी से थम्सअप दिखा दो एंड कुछ और ऑंट्रप्रिन टाइप्स थे जैसे इमिडिएटिव बायर एंड फोर्थ तो आपको ये भी पता होना चाहिए ठीक है आज के सेशन में हमें डिस्कस करना है ऑन्ट्रप्रिनशिप डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है ये पूरा ऑन्ट्रप्रनरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस मतलब सेटिंग अप द बिजनेस तो आइडिया जनरेशन से शुरू होता है एनालिसिस होता है डेवलपमेंट ऑफ प्लान होता है डेवलपिंग प्लान इसको डेवलपिंग बिजनेस प्लान भी कहते हैं ठीक है अब देखो हमें दो डेवलपमेंट प्रोसेस देखते हैं एक तो स्टार्टअप प्रोसेस देखना है एंड ऑन्ट्रप्रनरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस देखना है दो, दोस्तों दोनों सेम ही है जब मैं स्टार्टअप स्टार्टअप डेवलपमेंट प्रोसेस भी दिखाऊंगा तो ज्यादातर वही स्टेजेस आते हैं ठीक है तो हम इसको मतलब अभी यहां पे थोड़ा सा देखेंगे फिर स्टार्टअप में और डिटेल में इसको देखेंगे ठीक है क्योंकि ये दोनों टॉपिक आपको दिए हुए हैं इसलिए मैं इसको कवर करा रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कलेक्टिंग रिसोर्सेस मतलब फंड रेजिंग हायरिंग ह्यूमन रिसोर्सेस एंड सो एंड देन फॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेटिंग अप योर बिजनेस मैनेजिंग योर बिजनेस एंड ग्रोइंग बिजनेस इसको हार्वेस्टिंग भी कहते हैं हार्वेस्टिंग भी कहते हैं ठीक है तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए तो इसको हमें थोड़ा सा देख लेना है जल्दी से सो so, <coughs> जो पहला पार्ट है डिस्कवर जब भी आप ऑन्ट्रप्रिनशिप जर्नी में निकलते हो तो आप पहली चीज क्या करते हो आइडिया ढूंढते हो सो इट बिगिन्स विद फ्रेश आइडियाज एंड ऑब्जेक्टिव वेर इन द दिन रिकनाइजेज एंड एनालाइजेज बिजनेस पॉसिबिलिटी यू नो आइडियाज तो हमारे दिमाग में काफी आते हैं पानीपुरी का ठेले डालने से एक सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट करने तक का भी आइडिया आता है है ना राइट right. <coughs> तो गाइज हमें देखना पड़ता है कि इसकी फिजिबिलिटी क्या है इसकी बिजनेस वाइबिलिटी क्या है तो ये सारी चीजें हम देखते हैं मतलब हम पहले सोचते हैं कि आइडिया क्या, क्या क्या है कैन बी इवेल्युएट दैट दैट इज एक्चुअली फिजिबिलिटी स्टडी ऑफ द आइडिया सो इवेलुएशन ऑफ एन अपॉर्चुनिटी कैन बी डन बाई आस्किंग सेवरल क्वेश्चन टू वन सेल्फ फॉर इंस्टेंस क्वेश्चन लाइक वेदर इट विलेकिंग चांस एंड इन्वेस्टिंग इन दिस आइडिया विट द कस्टमर वट आर द कंपिटेटिव एडवांटेज एंड रिस्क लिंक विथ दिस आइडिया तब ये सारी चीजें सोचते हो और उसके बाद में एक आइडिया पर आप फ्रीज करते हो कि हम ये करना चाहते हैं ठीक है प्लान सो आफ्टर देशन ऑफ एन अपॉर्चुनिटी एन ऑनप्रेज टू बिल्ड अट बिजनेस प्लान मोर डिटेल इसका हम देखते हैं क्योंकि बिजनेस प्लान पर लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था इस साल भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तो इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे ठीक है उसके बाद में आता है uh, नो रिक्रूटिंग रिसोर्सेज रिसोर्सेज कलेक्टिंग सो हियर द द सोर्स ऑफ मतलब खुद से भी वो इन्वेस्ट कर सकता है या फिर फैमिली फ्रेंड से भी ले सकता है या फिर वो एंजल इन्वेस्टर्स को भी अप्रोच कर सकता है सीड इन्वेस्टर्स को भी अप्रोच कर सकता है फ्रॉम वेयर द ह्यूमन रिसोर्सेज कैन बी मैनेज तो कहाँ से रिक्रूट करेंगे लोगों को तो ये सारी चीजें डिसाइड होती है एंड देन कम्स मैनेजिंग द कंपनी स्टार्टिंग विद कंपनी फॉर्मेशन तो कहीं जब भी आप एक बिजनेस शुरू करते हो आप उसको एक लीगल एंटिटी के तौर पे एस्टाब्लिश करते हो फिर उसके बाद में उसके ऑपरेशन सेटअप करते हो लोगों को रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हो सो दैट दैट इज नो कंफ्यूजन नहीं तो फिर वही होगा जो आपने शार्क टैंक में देखा था कि दो लोग तीन लोग आते हैं और कौन सी है कौन सी है पता ही नहीं चलता है पता है सारे शार्क उनको पूछते हैं अच्छा आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वॉट रोल डू यू प्ले सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू असाइन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज And then the last part is Harvesting, that is growing business. You know, always entrepreneurs or startup uh, companies would like to grow very fast. So you need to set certain business goals for you. OK, it may be in terms of revenue. It may be in terms of customer acquisition and so on and so forth. Right. So this is very hai. OK. <clears throat> right. Someone is asking, sir, is this helpful for cat aspirant? देखो कैट के अंदर इनोवेशन ऑन्ट्रप्रिनरशिप तो नहीं आता है लेकिन अगर आप ये के जाओगे तो कोई नुकसान नहीं होगा ठीक है राइट right. चीजें <coughs> पता है तो फायदा ही होगा नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस प्लान तो guys, हमने प्लानिप डेवलपमेंट प्रोसेस देख ली ये सबको क्लियर होनी चाहिए अभी हम देख लेते हैं बिजनेस प्लान क्या होता है तो जल्दी से इसको समझ लो सो बिजनेस प्लान इज अ अटन डॉक्यूमेंट दैट दउटलाइन द गोल ऑफ द बिजनेस एंड रोडमेप ऑफ हाउ टू अचीव ओके इट इज अ रिटर्न डिस्क्रिप्शन ऑफ योर बिजनेस फ्यूचर तो काफी लोग ऐसा समझते हैं बिजनेस प्लान मतलब बिजनेस डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन नो दैट्स नॉट नॉट करेक्ट इट्स अ प्लान द विल बी आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ठीक है, so, <coughs> है? दोस्तों एक चीज मैं आपको बताता हूं सपोज मैंने एक कंपनी एक शुरू करी एक मेरा स्टार्टअप मैंने शुरू किया और काफी अच्छा ग्रो कर रहा है मैंने इनिशियली बुथ स्ट्रैपिंग किया मतलब मैंने अपने खुद के पैसे डाले और वो अच्छा ग्रो कर रहा है अब मुझे लगा कि अभी मेरे पास सफिशियंट रेवेन्यू मतलब मेरे पास अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा है और कुछ कस्टमर्स भी हो गए तो आई कैन गो फॉर फंडिंग अब मैं इन्वेस्टर के पास जाता हूँ इन्वेस्टर मुझे पूछता है कि अच्छा आप क्या करोगे इसका फ्यूचर ग्रोथ क्या है मैं उसको बता देता हूँ कि फ्यूचर में हम हंड्रेड करोड़ करेंगे विद इन टू ईयर्स थ्री ईयर्स एंड सफ क्या वो मान लेगा बिल्कुल नहीं मानेगा वो हमेशा चीजें रिटर्न मिलेगा आपसे so, आपने उसको कहावेन्यून करोड़ है दो साल के बाद ये ट्वेंटी करोड़ हो जाएगा तो आपको प्रॉपर उसका प्लान दिखाना पड़ेगा कि कैसे ये ट्वेंटी करोड़ होगा आपका दूसरे मंथली या फिर क्वार्टरली माइलस्टोन क्या है तो वो सारा आप बिजनेस प्लान में लिखते हो ताकि वो हर स्टेज पे आपका सर खा सके अगर उसके पास कुछ भी रिटर्न नहीं है तो फिर आप पलट सकते हो आप कह सकते हो कि नहीं मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था मैं तो टू करोड़ की बात कर रहा था आपको ट्वेंटी करोड़ सुनाई दिया होगा आर यू गेटिंग दिस पॉइंट राइट तो इसलिए ये डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है यू नो हम आगे देखेंगे कि बिजनेस प्लान इज एक्चुअली एक्ट एज अ सेलिंग डॉक्यूमेंट फॉर दिन दे आर सेलिंग देयर ऑन्टरप्रिनशिप और देयर आइडिया टू द इन्वेस्टर बाई शोइंग द बिजनेस प्लान ओके राइट चलो It includes, um, it includes, it includes, which includes क्यों likha hai Sales forecast, marketing strategies, theek hai It includes sales forecast, marketing strategies, competitive strategies, milestones. As I mentioned, कि मैं कह रहा हूं कि दो साल में मेरा revenue आज 1 करोड़ है, दो साल के बाद 20 करोड़ होगा, तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि कैसे ये होगा. Are getting this point? हाँ, yes Rohit, वही वही, वो लोग believe नहीं करेंगे 21 days में पैसा double. एक्सपेंस बजट पार्टनर्स शॉर्ट टर्म टर्म एंड लॉन्ग गोल्स यू नो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं पता है दोस्तों जो बिजनेस प्लान है ना वो सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए यूजफुल नहीं है आपके खुद के लिए भी यूजफुल है यू एज अ फाउंडर और को फाउंडर दिस बिजनेस प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट क्यों क्योंकि जब दो या तीन को फाउंडर्स आके एक बिजनेस शुरू करते हैं ना तो उसमें आगे जाके डिफरेंसेस आना बिल्कुल लाजमी है करेक्ट वो आएंगे आएंगे तो अगर उन्होंने पहले से ही अपने प्लान को पेपर पे रख दिया है सो नो वन कैन डिविएट फ्रॉम प्लान जैसे तीन पार्टनर है दो दो पार्टनर कह रहे हैं कि हम ये चीज करें जो कि बिजनेस प्लान में लिखी नहीं है एक पार्टनर कह रहा है कि नहीं हमें ये नहीं करना चाहिए हमें अपने मॉडल पे स्टक रहना चाहिए तो अगर वो चीजें हमने पहले से ही डॉक्यूमेंट कर ली है तो पार्टनर्स में भी आपस में कंफ्यूजन नहीं होगा सो so, बिजनेस प्लान इज दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यू नो चलो हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस गाइस शो मी अ थम्स अप क्योंकि इसके ऊपर कम से कम एक या दो क्वेश्चन आपके 2023 में आ रहे हैं टेक माई वर्ड गाइस बिजनेस प्लान पे एक या दो क्वेश्चन टाइप्स ऑफ इनोवेशन पे एक दो क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिए थे बिजनेस प्लान पे ठीक <coughs> है राइट <Right>. चलो <coughs> अच्छा गाइस वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एवरी वन आई फॉवर टू मेंशन आपको पता है आज की डेट में इंडिया में कितने यूनिकॉर्न्स हैं गाइस हाउ मेनी यूनिकॉर्न्स आर देयर इन इंडिया एनी आइडिया नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स अच्छा पहले तो यूनिकॉर्न होता क्या है है ना यूनिकॉर्न पता है ना सबको अ कंपनी हुज वैल्यूएशन इज मोर देन 1 मिलियन डॉलर सो दैट्स यूनिकॉर्न करेक्ट गाइस सो एज ऑन टुडे देयर आर 108 यूनिकॉर्न्स एक्सीलेंट ये किसने बताया लीगा ला लीगा ने बताया भाई ला लीगा ऐसा अच्छा लगता है ला लीगा ने बताया मतलब कौन सा हम स्पेन में बैठ के लेक्चर ले रहा हूं ऐसा लग रहा है मुझे ठीक है <coughs> तो यार तुम लोग अपना इंडियन नाम रखो ना यार ठीक है <coughs> ललित लिंगम पल्ली है क्या तुम्हारा नाम हा <coughs> काफी लोग क्या करते हैं अपने नाम का ऐसा छोटा नाम बना देते हैं ना नाम होगा ललित लिंगम पल्ली लेकिन यहां पर लिखेंगे लालिगा <coughs> हाइट <coughs> ओके सो यस गाइज तो मैं आपको एक चीज बताता हूं राइट हाँ. <laughs> right. सुनो सुनो तो ये जितने भी यूनिकॉर्न्स है ना मतलब ये सारे क्या है यूनिकॉर्न स्टार्टअप मतलब दे आर डेफिनेटली न्यूज ठीक है तो आपको अगर हो सके तो ये जो यूनिकॉर्न्स है मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा सो आई पोस्ट वन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ठीक है लिंक इन डिस्क्रिप्शन गाइस जिसके अंदर ये जितने भी यूनिकॉर्न उसका एक में लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा उसके फाउंडर कौन थे इसमें किसने इन्वेस्ट किया है राइट right. ये सारा मैं उधर रख दूंगा तो प्लीज हर रोज थोड़ा थोड़ा देख लेना हर रोज दस दस ये स्टार्टअप्स को देख लेना क्योंकि इनमें से दो सवाल आएंगे ही आएंगे इनके ऊपर कम से कम दो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे एटलीस्ट आर यू गेटिंग दिस पॉइंट गाइस मान के चलो तो अभी एक साथ में रटने की जरूरत नहीं है हर रोज दस दस करके देख लेना आई शेयर दैट लिंक लेनाथ यू जहां पर मैंने ये इंफॉर्मेशन कंपाइल करी है अभी क्लियर गाइस चलो फाइन <coughs> अच्छा दोस्तों यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आती है आ, ये कभी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है बट ये मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एलिवेटर पिच कोई भी ऑन्टरप्रिन्यर होता है ना वो हमेशा अपने बिजनेस की एक एलिवेटर पिच रेडी रखता है व्हाट इज एन एलिवेटर पिच गाइस

एक सेकेंड ना, जस्ट ए मोमेंट गाइस कुछ भी अरे रुको यार ठीक है थोड़ा सा पेशेंस तो रखो यार <clears throat> थोड़ा सा पेशेंस रखो ठीक है जस्ट अ सेकेंड गाइस लेट इट लेट इट सॉर्ट आउट वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व दैट इश्यू इज इट इज इट बेटर नाउ गाइस जल्दी से एक बार कंफर्म करो गाइज अभी अभी क्लियर आ रहा है कंफर्म करो यार एवरीवन वन प्लीज कंफर्म चलो फाइन सो व्हाट इज एन एलिवेटर पिच गाइज दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट के एलिवेटर पिच इज जस्ट अ शॉर्ट समेरी ऑफ व्हाट यू आर डूइंग व्हाट योर बिजनेस इज ऑल अबाउट एंड वॉट्स योर गोल ठीक है तो आपका जो भी बिजनेस होता है आप उसको एकदम इजीली क्रिस्प वे में किसी को बता सकते होने चाहिए यू नो यू हैव टू एन एलिवेटर यू आर एट सम बिजनेस हब एंड आप एक बिल्डिंग में थे एलिवेटर में गए और वहां पे आपको एलिवेटर में एक इन्वेस्टर मिल गया तो अगर उस इन्वेस्टर को आपको कन्विंस करना है क्योंकि एलिवेटर जितना ही आपके पास टाइम है एलिवेटर टेंथ फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आएगा तो उतना ही आपके पास टाइम है अबाउट फिफ्टी थर्ट फोर्टी फिफ्टी सेकेंड्स का

मतलब मैंने देखा कुछ लोग तो क्या क्या लिख रहे हैं चैट बॉक्स में जैसे ही थोड़ा सा ले आया सर गए आज का सेशन कैंसिल हमारा क्या होगा सर आप कहा गए यार मतलब ऐसे लोग मैनेजर नहीं बनते हैं ठीक है थीके? ऐसे लोग मैनेजर नहीं बनते हैं राइट मतलब थोड़ा पेशेंस रखो यार स्पेशली वेन यू आर अटेंडिंग माई सेशन आई एम नॉट द वन जो आज सेशन शेड्यूल करेगा और सडनली गायब हो जाएगा और कहेगा कल सेशन है अभी मैं कभी भी ऐसा नहीं करता हूं गर्डिंग पॉइंट गाइस तो मतलब थोड़ा सा पेशेंस रखो यार है ना अगर लाइफ में आगे आना है, है? तो एलिविट पिच का एक कम्पिटिशन में चाहता हूं कि हम करें कम्पिटिशन में क्या करना है सो थिंक ऑफ अस दैट यू विश टू स्टार्ट इन फ्यूचर आई एम श्योर आप सबको कोई ना कोई बिजनेस शुरू करना है सच्ची बताओ दोस्तों अच्छा आप में से कितने लोग पूरी लाइफ जॉब करने वाले हो टाइप मी इन द चैट बॉक्स जो लोग पूरी लाइफ जॉब करने वाले हो कि अभी से तय है सर मैं कभी ऑंट्रप्रेनर नहीं बनूंगा मैं किसी के नीचे ही काम करना चाहता हूं है ना ऐसे वाले लोग मी लिख दो बस चैट बॉक्स में तो सिर्फ एक बंदा लिख रहा है मी ठीक है ना आउट ऑफ सो मेनी स्टूडेंट्स ओनली वन पर्सन इज राइटिंग मी तो आप समझ सकते हो ज्यादातर लोग ऑंट्रप्रनर शिप के बारे में सोचती ही है तो दोस्तों आप सबको राइट right, आप सबको एक बिजनेस आइडिया सोचना है और उसका एक एलिवेटर पिच बनाना है और फिर आप उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दोगे आई पर्सनली चेक ठीक है कि किसका बेस्ट एलिवेटर पिच था और कल मैं उसका नाम अनाउंस करूंगा ठीक है दोस्तों आर यू ऑल रेडी शो मी थम्स अप ठीक है जल्दी से एक बार थम्स अप दिखा दो कैन एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू पोस्ट वन आइडिया

ठीक है फॉर फंडिंग सो बिजनेस प्लान बीपी फॉर बिजनेस प्लान एक्स एज अ सेलिंग डॉक्यूमेंट देन फॉर मैनेजमेंट इट एक्स एज अ गाइडलाइन ओके फॉर पार्टनरशिप एंड अलायंस नो स्कोप ऑफ कंफ्यूजन थिंग्स आर डॉक्यूमेंटेड सिंपल सी बात है ओके okay, तो कंपोनेट ऑफ बिजनेस प्लान क्या होते हैं बिजनेस प्लान में क्या क्या चीजें आती है एक बार समझ लेते हैं ठीक है तो सबसे पहला उसमें आता है एग्जीक्यूटिव समरी सो दिस इज अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द एंटायर बिजनेस प्लान एग्जीक्यूटिव समेरी में आप ये नहीं लिखते हो कि मेरा बिजनेस क्या है एग्जीक्यूटिव समेरी इज इन अ वे द ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द द एंटायर बिजनेस प्लान इट इंक्लूड्स अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ दिजनेस आइडिया बिजनेस गोल्स टारगेट मार्केट कॉम्पिटिशन यूएसपी एटसेट्रा मतलब अगर किसी के पास ज्यादा टाइम नहीं है पूरा बिजनेस प्लान पढ़ने का तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव समेरी से उसे पता चल जाना चाहिए कि यह पढ़ने लायक है कि नहीं राइट right?

Sure दोस्तों क्या पूछते हैं यही चीजें तो पूछते है कि क्या यार ये तुम ब्लू टी के लेके आ गए जैसे अभी एक रिसेंट एपिसोड आया था ब्लू टी ठीक है तो उससे सीधा बता दिया यार तुम्हें क्या लगता है ब्लू टी तुम अकेले बेच रहे हो गलत बोल रहे हो ठीक है ब्लू टी यूएस में कब से चल रही है है ना तो वही चीज है कि आपको बताना पड़ेगा कि आपके कंपिटिटर क्या है क्या आपकी प्रोडक्ट इनोवेटिव है या इमिटेटेड प्रोडक्ट है क्या है ये सारा बताना पड़ेगा है ना सो गाइज दिस आर द कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान अदर कंपोनेंट कस्टमर एनालिसिस प्रोडक्ट सर्विस ओवर यू बिजनेस मॉडल रेवेन्यू मॉडल मार्केटिंग मैनेजमेंट फंडिंग एंड फाइनेंशियल ये सब कुछ आपको बिजनेस प्लान में रखना होता है मैंने सिर्फ तीन चार पार्ट समझा दिए बाकी सारे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि बिजनेस प्लान में क्या क्या आता है आर गेटिंग दिस पॉइंट दोस्तों तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन बिजनेस प्लान तो फिर उसमें एक ऑप्शन लिखा होगा कस्टमर एनालिसिस मार्केट ओवरव्यू फिर कुछ रेवेन्यू मॉडल लिखा होगा और कुछ एक चौथी चीज ऐसी लिख दी होगी ठीक है राइट जैसे आपका रिलेशन विद नमिता थापर ठीक है या आपका रिलेशनशिप स्टेटस तो ऐसे कुछ पूछ लिया मतलब एकदम फालतू तो चीज लिख देंगे आपको वो टिक कर देनी है बस तो इसलिए क्वेश्चन काफी सिंपल हो जाता है राइट ओके सो दोस्तों आर यू ऑल रेडी फॉर क्वेश्चन आंसर क्योंकि आज के सेशन में हमें मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर लेने हैं ठीक है थीके? हमने स्टार्टिंग में भी क्वीज ली हमने एक छोटा सा पार्ट समझ लिया अभी हम वापस क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं सो आर यू ऑल रेडी फॉर क्यू एन ए सो फॉर नेक्स्ट ट्वेंटी मिनट्स वी आर गोइंग टू डू जस्ट क्यू एन ए गाइस ठीक है और उसके अंदर भी कुछ पॉपुलर पर्सनालिटी के क्वेश्चन है जस्ट अ मोमेंट गाइस Just a second, guys. Right. Chalo, ready, guys. Here is the first question. Everyone, what's the answer for this question? So tohura sa. <clears throat> Kya hai, guys? Ka answer. So, business plan is important for all of the following reasons except. Except. इज आस्किंग सर हाउ इज दिस कॉलेज यार ये सवाल है ना अभी मत पूछो ये सेशन में हाउ इज दिस कॉलेज हाउ इज दैट कॉलेज टाइप सवाल मत पूछो यार आई डोंट वॉन्ट टू डीवी आंसर बताओ ये क्वेश्चन का क्या आएगा इसका आंसर दोस्तों सो टाइम इज अप गाइस

is cancer a new ventures business plan is important because because it can help demonstrate the viability of the venture provides a guide for बिजनेस एक्टिविटी बाय डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव ऑल ऑफ द न्यू वेंचर्स बिजनेस प्लान इज इंपॉर्टेंट बिकॉज हेल्प टू परस्यूट अदर्स टू कमिट फंडिंग ये तो सही है कैन हेल्प डेमोन्स्ट्रेट द वायबिलिटी ऑफ द वेंचर ये यू कैन डेमोन्स्ट्रेट द वायबिलिटी प्रोवाइड अ गाइड फॉर बिजनेस एक्टिविटीज बाई डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव

गेटिंग दिस पॉइंट बिजनेस बिजनेस प्लान के अंदर आप बिजनेस एक्टिविटी कैसे करोगे उसका प्रोवाइड गाइड फॉर बिजनेस एक्टिविटी बाई डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो डिफाइन करते हैं बट डज इट एक्ट एज ए गाइड अच्छा ये क्वेश्चन कल डिस्कस करते हैं नहीं दोस्तों इसको साइड में रख देते थोड़ा सा एम्बीगुअस लग रहा है कि या तो सी आएगा या तो डी आएगा ठीक है या तो सी आएगा या डी आएगा तो मैं थोड़ा सा इसको एक बार देख लेता हूं आई डिस्कस दिस क्वेश्चन बिकॉज आई रियली डोंट टू गिव सम आंसर इज नॉट एक्यूरेट ओके सो प्लीज ये दोनों में हमें कंफ्यूजन है इसको डिस्कस करते कल कर। चलो प्लीज ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन नहीं वर्ड्स का मीनिंग भी तो समझना पड़ेगा ना अगर आपने ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कर दिया तो क्या उससे वो एक गाइड बन जाता है

एक्सेप्ट मतलब ऑन्ट्रप्र के बारे में ही है यह हाउ यू रिक्ज ऑपरचुनिटी ऑल ऑफ दर कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर ऑपरचुनिटीज एक्सेप्ट ब्रेन स्टॉमिंग सो जो ऑपरचुनिटी आइडेंटिफाई करता है वो डेफिनेटली ब्रेन स्टॉमिंग तो क्या ब्रेन स्टॉमिंग नहीं करता है प्रायर एक्सपीरियंस ये ऑन्ट्रोप्रिन्यूअल अलर्टनेस ये सोशल कॉन्टेक्ट एंड टाई इथ अदर्स येस ये भी तो सही है क्या ब्रेन करता है गाइस? अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ब्रेन करने की जरूरत है नहीं गाइस, इसमें आंसर आएगा ब्रेन इसमें आंसर आना चाहिए ब्रेन करेक्ट क्योंकि

Uh, दोस्तों एक सेकेंड ब्रेन स्टॉमिंग यार इसके अंदर जस्ट मोमेंट रुको 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 इसके अंदर है ना कुछ क्वेश्चन थोड़े सब्जेक्टिव होते हैं ब्रेन स्टॉमिंग हो सकता है बट ऑल ऑफ दी अबव तो दिया नहीं है दोस्तों सो so, यहां पे ऑप्शन ए ही टिक करना पड़ेगा क्योंकि ऑल ऑफ दी अबव दिया ही नहीं है ये तो डेफिनेट है सोशल कनेक्ट एंड टाइज विद अदर्स दैट विल डेफिनेटली हेल्प मी आइडेंटिफाई दू ऑपर्चुनिटीज गाइस This is one of the common characteristics of all the entrepreneurs, right? Entrepreneurial alertness. Yes, I have that alertness. K man opportunity, business. Prior experience definitely helps in identifying new opportunity. So it has to be brainstorming. Okay? Anyways, guys, let's go ahead. All the following are characteristic of attractive industry, uh, attractive industries, except जस्ट वूमेंट गाइस कुछ कुछ गड़बड़ी हुआ है क्या या ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट सो गाइस द इंडस्ट्री इज यंग इंडस्ट्री इज यंग so definitely uh, industry is young there are not so many players so that's an opportunity okay the industry is fragmented it's an opportunity the industry is crowded definitely it's not an opportunity if the industry is crowded definitely i don't think there will be an opportunity the industry has high operating margin yes that could be the reason so all these three are attractive except this do you all agree guys there is confusion सी देर शुड नॉट बी एनी एंबिग्युटी इन दिस क्वेश्चन आई डू अग्री प्रीवियस क्वेश्चन उसके पहले में थोड़ी सी एंबिगुटी थी आई करेक्ट दैट ठीक है राइट चलो लेट्स ट्राई फॉर दिस प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन this is uh, conducted to determine whether a proposed business has sufficient management expertise organizational competence and uh, resource to successfully launch its business what do we call what do we call this fragmented okay someone is asking sir what does it mean by fragmented industry एग्जाम्पल uh, आपको देता हूं कि जो भी इंडस्ट्री में कोई भी एक बड़ा प्लेयर नहीं है बहुत ही छोटे छोटे प्लेयर है ठीक है तो वो फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री हो गई आर गेटिंग दिस पॉइंट के साउथ के अंदर दो तीन छोटे छोटे प्लेयर है नॉर्थ में दो तीन छोटे छोटे प्लेयर है देयर इज नो नेशनल लेवल प्लेयर गेटिंग दिस पॉइंट तो उसको फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री कह सकते हो आर ओके सो so इसमें क्या आएगा तो इसमें आएगा ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी एनालिसिस वी कंडक्ट ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी एनालिसिस टू डिटरमाइन एनालिसिसनेजमेंट एक्सपर्टाइज ऑर्गेस्टल कंप्यूट एंड रिसोर्स टू सक्सेसफुल लॉन्च इट बिजनेस देखो ये सारे टर्म्स है ना आप कितना रीड करोगे तब जाके आपको कहीं जगह पे मिलेंगे तो इसीलिए मैंने यहां पे इंक्लूड कर दिया कि आपको कुछ भी उसके बाहर रीडिंग करने की जरूरत नहीं है ठीक है मतलब जितनी पॉसिबल चीजें मुझे लग रही है कि लोग पूछ सकते है वो मैंने कवर कर ली है ठीक है चलो गाइज अब ये एक थोड़ा अलग ही क्वेश्चन है दिस आर द कन्वेंशनल इन दर अप्रोच दे आर नॉट रेडी टू चेंज देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन मेथड इवन इफ दे सफर लॉसेस फिल द ब्लैंक विद विदेबल टाइप ऑफ ऑन्ट्रोप्रेन्योर तो गाइज ऐसे ऑन्ट्रप्रिन्य को हम क्या कहते हैं पता है ड्रॉन ऑन्ट्रोप्रेन्योर कहते हैं देर आर समाइप ऑफ ऑनप्रेन डिफाइन फर्स्ट जनरेशन ऑन्टर से शुरू करते हैं इनोवेटिव स्टार्टिंग इनोवेटिव आइडिया तो ये दो टर्मिनोलॉजी याद रख लेना द्रॉन ऑन्टरप्रेन्यर एंड फेबियन ऑन्टरप्रेनियर ठीक है प्लीज गूगल कर लेना ये दोनों टर्म को गूगल कर लेना अभी क्लियर तो द्रोन ऑन्टरप्रिनियर का तो मैंने यहां पर बता ही दिया है आपको चलो राइट

करेक्ट सो वी कॉल इट गाइज कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ना सिंपल सा टर्म है कॉर्पोरेट गवर्नेंस राइट आई एम श्योर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इन साइड अ ट्रेनिंग समाइड यार इन साइड अ ट्रेनिंग थोड़ी ना आएगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस आएगा चलो गाइज या प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन वॉट टर्म इज यूज एन एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स

एक्जैटली exactly, शार्दुल आपने सही कहा कि थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा देखो मतलब मैं ये नहीं कहता आपको ड्रॉन ऑन्टरप्रन्य पता होना चाहिए राइट या डिजरप्टिव वर्सेस सस्टेनिंग ये सब पता होना चाहिए नहीं बट इंक्रीमेंटल इनोवेशन देख के ही पता चल जाना चाहिए राइट या फिर यहां पे क्या आएगा ऑन्टरप्रेनियरशिप आएगा कि नहीं हमने पूरा तो स्टडी किया है यार उसको तो स्टडी किया हुआ है चलो गाइज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेट्स सी कितने लोगों को यह पता है

आइडियाज इट huh. uh, 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 तिलक मेहता और त्रिष्णी तरोरा गाइस आई थिंक इट इज त्रिष्णी तरोरा दोस्तों एक बार चेक करो इट्स त्रिष्णी तरोरा जस्ट वो माइंड गूगल करो यार मेरे हिसाब से तो त्रिशनी थे यार इसका नाम त्रिष्णी गाइस मतलब तो फेंकना शुरू करते ऐसे फेंकते हैं कि फैकल्टी का कॉन्फिडेंस डगमगा जाए मैं सोचू हंड्रेड स्टूडेंट से तिलक मेहता बोला हद दे यार मुझे एक बात चेक करना पड़ा यार

हाँ। सब लोग फेकम फेक कर रहे हैं ठीक है मतलब शूटिंग तो चालू ही है आपकी जीरो था <laughs> बाइनान्स का, बाइनान्स का को फाउंडर है ही इज को फाउंडर ऑफ बाइनांस ठीक है राइट right. चेक करो थोड़ा सा बाइनांस आंसर है इसका कुछ भी यहाँ पता नहीं है ठीक है चलो गाइज वॉट डज द कंपनी द पेपर मैन डू ये भी कंपनी काफी न्यूज में थी द पेपर मैन ये कंपनी क्या करती है ओ ओ Guys, एक सेकंड एक सेकेंड जीरोधा एक सेकेंड दोस्तों अरे भाई ये बंदा जो है ना जीरोधा का है नितिन कामत नीतिन कामत और ये बंदा है निखिल कामत दोस्तों दोनों में नाम में डिफरेंस है रोहन एंड रोनक दो अलग अलग लोग है यार ठीक है हाँ रोहन एंड रोनक दो अलग अलग लोग है ये नितिन है ये निखिल है समझ रहे हो कामत दोनों है मैं मानता हूं लेकिन हर शाह अमित शाह नहीं होता है वैसे हर कामत दा का नहीं होता है समझे हम्म ओके अच्छा इसने नहीं नहीं गाइस इसने दा भी को फाउंड किया है ठीक है जस्ट मोमेंट जस्ट वुमेन्न गाइस नहीं गाइज आई एम सॉरी दिस इज करेक्ट बाइनांस का तो अलग है तो सॉरी माई मिस्टेक गाइस माई मिस्टेक बूथ आर पूउंडर ऑफ दिस वन जीरो द ठीक है नितिन सॉरी सॉरी गाइस नितिन एंड निखिल हम्म स का चाइनीज फाउंडर है यार ऐसा कैसे हो गया क्यों मैं ऐसा कैसे लिख दिया मैंने नहीं फाउंड वो फाउंडर अलग है मैं को फाउंडर जस्ट मोमेंट जस्ट टू मैन गाइस हम्म करेक्ट करेक्ट ये सही है इसमें कोई दो नहीं है गाइस बाइनांस का नहीं है वो ठीक है हाँ चलो हाँ तो गाइस ये किस में आती है द पेपर मैन इज अ रिसाइकल वेस्ट ऑफ ऑल काइंड ठीक है पेपर मैन डज द रिसाइकलिंग वेस्ट ऑफ ऑल काइंड ठीक है जाओ जाओ है उसका तो चलो ठीक है गाइज वट अबाउट दिस वन सुमित शाह इज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी दोस्तों चेक कर लेता हूं एक बार तब तक वो वाला hmm. क्या आएगा दोस्तों इसका सुमित शाह हाँ हा। मकान दुकान घर कई दुकान का वो को फाउंडर है ठीक है राइट सुमित शाह इज फाउंडर ऑफ दुकान राइट right. दुकान है चलो ओके okay. Guys, which approach states that entrepreneurship is a complex phenomena in which multiple factors play a crucial role for the supply of successful entrepreneurship? Hai? So which approach states entrepreneurship is a complex phenomena in which multiple factors play a crucial role for supply of successful entrepreneurship? सो hmm. so इसमें आंसर आएगा कंपोजिट अप्रोच अब मैं इसके बारे में कुछ बता देता हूं ध्यान से सुनो एवरी वन सो एज पर द कंपोजिट अप्रोच ऑन्ट्रप्रेन्योर इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट ऑन्ट्रोप्रेन्यूर बिहेवियर इज एन आउटकम ऑफ इंटरप्ले ऑफ मल्टीपल सोशल कल्चर इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स नो सिंगल फैक्टर इज एंटायरली रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाई ऑफ सक्सेसफुल दिस इज वॉट दिस कंपोजिट अप्रोच स्टेट्स ठीक है मैंने इसलिए इसको कवर किया है कि कभी अगर इन्होंने ये कोई थ्योरी को थ्योरी से कोई क्वेश्चन कवर कर लिया तो आपको पता होना चाहिए चांसेस ऐसे क्वेश्चन के आने के बहुत कम है राइट ओके चलो गाइज एक और ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ये इंट्रोप्रिन्य हमने देखा था इंट्रोप्रेन्योर कौन होता है ऑन्ट्रप्र अ कंपनी तो गाइज ये कॉमन सेंस से आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना होगा कॉमन सेंस से इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा चलो सो दे यूज रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय द कंपनी दे चेंज एंड रिन्यू रिन् एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम एंड कल्चर देर कैपिटल इज फाइनेंस बाय द कंपनी द रिस्क टेकन बाय द इंटरप्र हिमसेल्फ क्या आएगा इसमें कम ऑन थोड़ा सा सोच के बताना जिसने भी अब तक like बटन नहीं दबाया जल्दी से एक बार पहले तो लाइक like कर दो ठीक है और अगर आप लोग बाद में देख रहे हो तो आप लोगों के लिए भी एडवाइस यही पहले ही लाइक like दबा दिया करो नहीं दबाया तो अभी दबा दो ठीक है? कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है यार यारोप्रोप्रनियर क्या होता है गाइज एक कंपनी के अंदर एक कंपनी के अंदर जो एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर करता है तो क्या उसका खुद का कोई रिस्क है बिल्कुल नहीं है, ठीक है? The risk is taken by entrepreneur himself, गलत है, है। ठीक गलत ये आंसर होगा। हमें पूछा क्योंकि वो कंपनी के अंदर ही अप, अपना वो वेंचर कर रहा है ना जैसे फेसबुक में जिसने लाइक बटन इंट्रोड्यूस किया था तो उसने फेसबुक का ही रिसोर्सेज यूज करके वो सारा क्रिएट किया होगा they change and renew the existing organizational system and culture yes they may do it theek hai zarurat padti hai to wo wo cheez bhi kar sakte hai their capital financed by the company yes The risk is taken by entrepreneur himself. नहीं risk वो नहीं लेते हैं क्या ये समझ में आया है दोस्तों हाँ ये है they change and renew the existing organizational system and culture. दोस्तों उनको वो freedom होती है अगर उनको restructuring करना है अपने venture के लिए उनको restructuring करना है तो वो कर सकते हैं आर गेटिंग दिस पॉइंट इसलिए ऑप्शन बी सही है किसमें मतलब इट्स वन ऑफ द इट्स ट्रू स्टेटमेंट अबाउट प्लीज अंडरस्टैंड यार देखो एक चीज समझो सपोज मैं टाटा मोटर्स में काम करता हूं सुनो ध्यान से दोस्तों मैं टाटा मोटर्स में काम करता हूं ओके मैं एक डिजाइन इंजीनियर हूं मैंने टाटा को बताया कि मेरे पास एक कॉन्सेप्ट कार है ठीक है एक कॉन्सेप्ट कार का डिजाइन मुझे तैयार करना है तो टाटा ने मुझे कहा कि जाओ तुम करो मैं तुम्हें रिसोर्स प्रोवाइड कर देता हूं अब जैसे ही उसने मुझे फ्रीडम दी तो मैंने कहा कि यार मुझे 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 जो जो कार डिजाइन करनी है 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 ठीक उसके लिए और स्ट्रक्चर है, वो मुझे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर चाहिए कि सब लोग सीधे मुझे रिपोर्ट करेंगे ठीक है मुझे हायर स्ट्रक्चर नहीं चाहिए कि मेरे ऊपर मेरे नीचे एक बंदा आएगा फिर उसके नीचे एक बंदा ऐसा नहीं जो भी मेरी टीम में काम करेगा सौ लोग मेरी टीम में काम करेंगे सब लोग मुझे रिपोर्ट करेंगे तो मेरा जो ओनर है या जो वो प्लांट का मैनेजिंग डायरेक्टर है वो कहेगा ठीक है तुम्हें जैसे करना है तुम करो बट यू कैन वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट ठीक है सो आई एम आई हैव बिकम एन इंट्रॉप्रेन्यर इन अ टाटा एंड आई हैव बीन गिवन दैट फ्रीडम टू चेंज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर माय प्रोजेक्ट क्या ये समझ में आया है दोस्तों जल्दी से एक बार अगर समझ में आया हो तो थम्सअप दिखा दो यार पल्ले पड़ा क्या दोस्तों जल्दी से एक बार कम ऑन ठीक है चलो राइट ग्रेट देन आंसर दिस क्वेश्चन गाइस ऑन्टरप्रीन्यर शुड कंसीडर द सोशल एंड कल्चरल कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स टू हैव अ सक्सेसफुल वेंचर विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी डिस्कस दिस स्टेटमेंट गाइस ऑन्ट्रप्रीन्यर शुड कंसिडर द सोशियल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स टू हैव अ सक्सेसफुल वेंचर तो इस अलग अलग थ्योरी दे रखी है इसमें से कौन सी थ्योरी में ये डिस्कस किया गया होगा कॉमन सेंस से बताओ थोड़ा सा कॉमन सेंस क्या कहता है दोस्तों कॉमन सेंस ये कहेगा कि सोशियोलॉजिकल या ऑन्थ्रोपोलॉजिकल हो सकता है दो में से एक ही हो सकता है ना थ्रोपोलॉजी ऑल्सो डील्स विद द ह्यूमन काइंड राइट सो दोनों में से कोई भी हो सकता है ये दो तो डेफिनेटली नहीं आएंगे ठीक है <laughs> तो गाइज आंसर इज ऑन्थ्रोपोलॉजिकल थ्योरी ऑन्थ्रोपोलॉजिकल थ्योरी सो प्लीज ये याद रखना सो ऑन्थ्रोपोलॉजिकल एंथ्रोप्रेन्योर थ्योरी रिलेट्स टू द कल्चर मॉडल ऑफ ऑन्थ्रोप्रेनियोर्स ऑन्थ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी द ह्यूमन एस्पेक्ट विद इन द पास्ट एंड प्रेजेंट दिस मेक्स दैम गुड ऑब्जर्वर ऑफ सोसाइटी हैंकोर्डिंग टू दैम To have a successful venture, entrepreneurs should consider the social and cultural context as well. Entrepreneurs can find possibilities that, pre that present themselves as difficult because of the social aspect of business activity, social environment, etc. The theory pushes them to come up with new ways to solve difficulties or uh, at the very le uh, least contribute to the, uh, their solutions. Okay. So basically, this theory ko Anthropologist theory kehte Okay.

डोंट वरी लास्ट ईयर सब ने किया है लास्ट ईयर के वीडियो के कमेंट जाके देख लो पता चल जाएगा लोगों ने कितना स्कोर किया है आप भी करोगे गाइस हु अमंग द फॉलोइंग डस द प्रिलिमिनरी वर्क रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी ठीक है कंपनी के फॉर्मेशन रिलेटेड प्रिलिमिनरी वर्क कौन करता है एनी <laughs> आइडिया अब जिसने सीए वगैरह किया होगा उसको तो पता ही होगा है ना <laughs> गाइस कौन करता है? Registrar नहीं करता है प्रमोटर बिजनेस जस्ट बिकॉज ही इज पैशनेट अबाउट इट एंड अचीव मॉडेस्ट ग्रोथ तो गाइज इसको हम लाइफ स्टाइल कहते हैं ये वो ऑन्ट्रप्रेन्योर है जो अपने पैशन के लिए बिजनेस करते हैं उनका

मैं डिस्क्रिप्शन में भी अपडेट कर दूंगा या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मैंने ऑलरेडी लिंक पिन किया गूगल फॉर्म का और प्लस या के लिए जाते हो तो करना मत that, so join, प्लस एंड टूडे गाइस रियली आपको सेशन अच्छा लगा होगा कमेंट्स में मुझे बताना कि आज से के सेशन से क्या आपको फायदा हुआ दो तीन हो गए थे वो जीरो था मैंने बता दिया था पर यस फाइनली देर आए दुरुस्त आए चलो ठीक है दोस्तों सो टिल देन अच्छा क्वांट का वीडियो देखना मत भूलना सोल्यूशन रात को आ जाएंगे क्वांट का प्रैक्टिस क्वेश्चन किया क्या दोस्तों जल्दी से एक बार बताओ हैव यू सोल्व प्रैक्टिस क्वेश्चन हाउ मेनी ऑफ यू सेशन वन जो वीडियो मैंने रिलीज किया था कि आप लोगों ने उसको सॉल्व किए गाइस नहीं नहीं अडियोस नहीं रुको अडियोस नहीं अरे नहीं थैंक यू नहीं अभी रुको थोड़ा और मुझे करना बाकी है फिर उसके बाद थैंक कर लेना यू कैन थैंक मी लेटर नहीं किया है अब तक अरे कम ऑन यार कर दो ना दोस्तों उसका वीडियो मैं रिलीज कर रहा हूं सारे क्वेश्चन मैं समझा दूंगा फटाफट ठीक है ये देखो यार ये कुछ लोग है ना हमेशा गरीबी में ही जिएंगे सर ये कहां पे मिलेगा सर ये क्या है हमेशा यार मतलब किता भी दे दो इनको कान के बाजू में आके बताओ ना तो भी गोदी में आके बैठ जाएंगे सर ये तो मुझे मिला ही नहीं मतलब दोस्तों यार कम ऑन ठीक है चलो एनीवेज तो कौन की वीडियो भी देखना अच्छा एल के सेशन हम जल्दी शुरू कर रहे हैं ठीक है एल के सेशन जल्दी शुरू हो रहा है और दोस्तों इस फ्राइडे सैटरडे संडे सेशन नहीं होगा क्योंकि आपको पता है मैं दिल्ली में हूं फ्राइडे सैटरडे संडे कोई सेशन नहीं होगा चिल मारो ठीक है तो सब कुछ आप उस टाइम पे रिवाइज कर लेना और आपका जो भी बैकलॉग है फ्राइडे सैटरडे संडे में क्लियर कर लेना बट टिल देन कीप अटेंडिंग सेशन डोंट मिस अ सिंगल क्लास ओके चलो बाय गाइस टाइम टू से अडियोस